ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। लेकिन कभी कभी क्या होता है, चलते चलते, क्योंकि परीक्षाएं आ रही है, मैं आपको बताऊं, आएंगी और सबके पास आएंगी, क्लियर है पेपर। और देखिए हमारा एग्जामिनर कैसा है कि कितनी बार पेपर आउट किया हुआ है, और उसके बाद भी हम फेल हो जाएं। पेपर आउट हो चुका है बहुत बार और फिर भी हम फेल हो जाएं, तो पेपर तो आएगा, क्यों आएगा? एक बात समझेंगे, मार्च महीना आता है साल में, क्या होता है उसमें? क्लोजिंग। जितने भी ऑफिस होते हैं, कार्यालय होते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, क्लोजिंग का टाइम होता है मार्च महीना। यूं समझ लो कि संगम युग पे हम मार्च महीने में आ गए हैं, ऐसे कागार पर आकर खड़े हो गए जब सब आत्मा की यहां क्या होगी, क्लोजिंग। पिछले कल्प का लेखा जोखा खत्म और नया, 1 अप्रैल से नया क्या हो जाता है, शुरू। तो ये क्लोजिंग ध्यान में रखिएगा। अब जब आत्मा की क्लोजिंग होगी तो कभी अच्छे कर्मों का प्रभाव सामने से निकलेगा, वो तो बहुत अच्छा है, सब गुड करके जाएगा। लेकिन जब मेरे ही द्वारा किए गए नेगेटिव कर्मों का प्रभाव मेरे सामने से निकलेगा, तब क्या होगा? तब ये होगा कि मेरी सोची हुई बातें पूरी नहीं होगी, मैं अच्छा करना जाऊंगी, मैं सोने को भी हाथ लगाऊंगी तो मिट्टी बनेगा, उलट पुलट, क्योंकि समय साथ नहीं दे रहा, समय मेरे लिए अभी उचित नहीं है। ये बात मुझे समझनी है, ना कि बाबा पर डाउट करना है। होता क्या है, कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आ गई, बाबा ऐसा क्यों हो गया, बाबा ने नहीं किया, मेरी ही कर्म गति मेरे सामने से गुजर रही है। जरूरत है उस समय पेशेंस की, बहुत 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 जरूरत है अब इसकी, इसे कस के पकड़ लीजिए, क्योंकि अगर हम पेशेंस नहीं रखेंगे तो अति जल्दी पेशेंट बन जाएंगे। पेशेंस, धैर्यता, बाबा का वो गीत कानों में गूंजना चाहिए उस टाइम जो साकार मुरलियों में बजता था, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज का फल कैसा होता है, फिर खाने में क्या तकलीफ है? अप्लाई कीजिए ना, वो कड़वा तो नहीं है ना, अप्लाई करना चाहिए ना हमको। और देवताओं का गुण है, दिव्य गुणों में एक गुण है धैर्यता, हम इसे आप कस के पकड़ ले, अपने को यहां से विचलित ना होने दे, सपोर्ट देंगे पेशेंस की और अच्छा लड़ोल खड़े रहेंगे, वेट एंड वॉच। थोड़ी ही देर में वो कर्म गति का टाइम पूरा होगा और सुनहरा सूरज फिर से चमकेगा। उस समय बल्कि और आवश्यकता होती है कि हाथ तो पकड़ा है मैंने, पर और कस के पकड़ लूं, योग तो करती हूं पर और ज्यादा करूं, सेवा तो करती हूं पर उस वक्त आवश्यकता होती है एक्स्ट्रा पुण्य जमा करूं, ना कि विचलित हो जाऊं, ना कि संशय में आ जाऊं, क्योंकि संशय केवल विनाश ही करेगा, उसका दूसरा कोई रूप नहीं है। उस समय अगर कोई ऐसा समय चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म कीजिए, तत्काल पुण्य कीजिए, क्योंकि जैसे ही पुण्य का प्रभाव बढ़ेगा तो पाप का प्रभाव क्या होगा, डाउन हो जाएगा, और उसकी वजह से जो कष्ट भोगनाएं आ रही है वो क्या हो जाएंगी, डाउन हो जाएंगी। तो ज्यादा से ज्यादा योग कीजिए, बाबा का साथ कस के पकड़िए और साथ में पुण्य कीजिए, विचलित नहीं, संशय नहीं।